फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास ने जब इसराइल पर हमला किया था तब भारत इसका विरोध करने वाले सबसे पहले देशों में से एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर कहा था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इसराइल के साथ खड़ा है। ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री ने इसराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में इसराइल के साथ खड़े होने की बात सीधे तौर पर की। हालांकि भारत ने बाद में फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी अपना पुराना रुख स्पष्ट किया। दरअसल इन दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर शांति बहाल हो इसकी कोशिश कई अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों और नेताओं ने की है। भारत का भी यही स्टैंड रहा है। दो राष्ट्र समाधान के तहत फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात की गई है। इस देश को वेस्ट बैंक में 1967 के पहले की संघर्ष विराम लाइन, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में बनाने की बात कही गई है। दो राष्ट्र समाधान के तहत फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात की गई है। इस देश को वेस्ट बैंक में 1967 के पहले की संघर्ष विराम लाइन, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में बनाने की बात कही गई है। लेकिन इसी साल की शुरुआत में इसराइल फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। यूएनजीए में पूर्वी यरूशलेम और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइल के कब्जे से जुड़ा मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें अमेरिका और इसराइल ने सीधे तौर पर खिलाफ में मतदान किया था, लेकिन भारत, ब्राजील, जापान, म्यांमार और फ्रांस जैसे देश मतदान से दूर रहे थे। शायद उसी दौरान भारत ने इसराइल के करीब और फिलिस्तीन से दूर जाने का फैसला कर लिया था। खैर अभी की बात करें तो हालात बदल गए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो केवल फिलिस्तीन के हितों के लिए उसके साथ है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल उठता है कि क्या भारत फिलिस्तीन से दूर जा रहा है और इसराइल के करीब। भारत इसराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर काफी चिंतित है, लेकिन आतंकवाद के मोर्चे पर इसराइल के साथ खड़ा है क्योंकि देश की नीति आतंकवाद के प्रति सख्ती से जीरो टॉलरेंस की है। युद्ध मुख्य रूप से आतंकी मोर्चे पर हमास और इसराइल के बीच है और केंद्र सरकार इसराइल फिलिस्तीन से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दे से अवगत है। सरकार की तरफ से जो पक्ष मीडिया के सामने रखा गया है वो ये है कि हम उन सभी चिंताओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो कूटनीतिक या सैन्य रूप से हस्तक्षेप से अलग है। हमास ने गलत किया और इसराइल को अपने नागरिकों और क्षेत्र की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार शांतिपूर्ण समाधान के लिए सऊदी, मिस्र और यूएई सहित सभी मिडिल ईस्ट के देशों से बातचीत भी कर रही है। इस महीने की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके खुद ये बताया था कि उनकी बात इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई थी। तब उन्होंने नेतन्याहू को आश्वासन दिया कि भारत इस कठिन घड़ी में इसराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इसके बाद इसराइल का युद्ध में खतरनाक अवतार भी पूरी दुनिया को दिखा। फिलिस्तीनियों पर जिस तरह से हमले हुए, उनके सालों पुराने संघर्ष को लेकर एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई और भारत को दोबारा पैलेस्टीनियंस के लिए अपना स्टैंड रखना पड़ा। हालांकि बीते दिनों इसराइल ने भारत से हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के लिए कहा। कई देश पहले ही हमास को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। नई दिल्ली में इसराइली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि आज 7 अक्टूबर को इसराइली शहरों पर हुए घातक हमलों के बाद हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में बैन करने की आवश्यकता को भारत के साथ उठाया गया है। गिलोन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमारे लिए महत्वपूर्ण देश हमारे साथ है, ये दुनिया की लोकतंत्र है। ऐसा कहने के बाद मुझे लगता है कि अब भारत में हमास को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का समय आ गया है। इजरायली राजदूत ने कहा है कि अमेरिका, कनाडा के साथ साथ प्रमुख यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने पहले ही हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर दिया है। खैर भारत इस वक्त इसराइल जैसे ताकतवर रिसोर्सफुल देश का साथ नहीं छोड़ना चाहता। भारत और इसराइल में आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही भारत और इसराइल के संबंध भी मजबूत हुए। अब तक भारत ने इसराइल के लगभग 8 सैन्य उपग्रहों को इसरो के माध्यम से लॉन्च किया है। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये तभी नोट किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान फिलिस्तीन नहीं गए थे। दोनों देशों की मीडिया हाउसों ने इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया था। जब भारत ने आखिरकार इसराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर दिया था, यात्रा के दौरान भारत और इसराइल ने 7 समझौता ज्ञापनों पर भी
हस्ताक्षर किए थे और तब से दोनों देश एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त मानकर चल रहा है। ऐसे में भारत की नीति साफ है, सीधे तौर पर वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से इसराइल का स्टैंड लेना उसके लिए जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।